हेलो दोस्तों, लो आरपीएम जनरेटर, मोटर, एसी सप्लाई, स्पीड कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक फायर डायोड, इसके कार्बन लड़ रहे हैं इसलिए आवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। दोस्तों, इसको खोल के इसकी वाइंडिंग दिखाएंगे, इसकी वाइंडिंग हमने कैसे की है। इसके कार्बन टूट रहे हैं दोस्तों। इसका कम्युरेटर साफ करने वाला है, इस पर रेग माल लगाने वाला है। आउटपुट सप्लाई 180 वोल्ट, 100 वाट।
ये रेगमाल से साफ़ करने वाला था दोस्तों, क्योंकि कमरेटर इसका बहुत ज़्यादा गंदा है। एक कार्बन के लिए एक तार हमारा आया है। दूसरा तार ये है। इसको दोस्तों भी खोल के दिखाएंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट की इसकी वाइंडिंग है। एक दो तीन, एक दो तीन स्लाइड छूट गई। छब्बीस नंबर वायर 120 टन, 26 नंबर 120 टन पड़े हुए हैं इसमें। 120 टन, फिर 120 टन, 60 टन, 60 टन, क्योंकि इस स्लाइड में डबल तार रखना है हमको, तो इसमें 60 और 60 120। यहाँ से हमने स्टार्ट की 120, 120, फिर 60, मैग्नेट इसमें दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये इसकी दूरी है। कम्युरेटर पे हमने आधा आधा कम्युरेटर को बांट लिया है 20 से। यहाँ से यहाँ तक फिर इतनी जगह छोड़ दी है, क्योंकि इतने मोटे हमारे कार्बन थे, इतनी जगह छूट गई इसमें। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर इतनी जगह छूट गई। दोस्तों इसको बांध लेते हैं, एक बार टेस्टिंग फिर करते हैं इसकी। बस दिखाना था आप लोगों को कि ऐसा अगर कोई मोटर हमारे पास बेकार पड़ा हुआ है, जला फूका या कैसा भी, तो उसमें हम एक छोटा सा जनरेटर बना सकते हैं दोस्तों। मैग्नेट की दूरी जितनी होगी
कोई भी मोटर हो, अगर उसमें दो पोल लगे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो उसमें गैपिंग जरूर होगी। बस इतनी ही जगह हमको छोड़नी है स्टेटर में। एक दो तीन स्लॉट छोड़ दी हमने, फिर यहाँ से वाइंडिंग किए हैं दोस्तों। 120 टन, फिर 120 टन, यहाँ पे डबल है हमारा तार। साठ टन एक वाइंडिंग ऐसे होगी, दूसरी ऐसे होगी। कम्यूरेटर पे आधे आधे दो भाग कर लेने हैं। अगर इस पे अगर अलग अलग लगाया जाए तो और बेहतर करंट निकलेगा दोस्तों। एक इस साइड में कार्बन, एक इस साइड में, बराबर से अगर कार्बन होगा तो बहुत बेहतर करंट इसमें से निकलेगा। दोस्तों इससे हम केवल 100 वाट तक यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोड पड़ेगा फिर करंट ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों। 100 वाट तक बस। अगर एलईडी बल्ब हमको 10 वाट या 9 9 वाट के जलाने हैं तो 6 7 आराम से जल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हद से ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर हम लोड डालेंगे, जनरेटर है हमारा, उस पर हम लोड डालते तो हमारा करंट बैठने लगता है। तो जिसकी जितनी क्षमता होगी बस उतना ही करंट निकलेगा दोस्तों। इसको फिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कमेंट करके दोस्तों बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले वीडियो अब तक पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब।